हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज का वीडियो में हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं कि याद कैसे किया जाता है, वो सिर्फ रटते ही रहते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाता है। ग्रुप ग्रुप नंबर 1 को और ग्रुप नंबर 2 के लिए लिखे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए कि ग्रुप नंबर 1 को कैसे याद किया जाए, ठीक है। तो देखिए ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं एस ब्लॉक, और इसको बोलते हैं अल्कली मैटर, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक अल्कली मैटर। तो ग्रुप नंबर 1 में क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है ना। एक बार फिर से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये होता है। इसको याद कैसे किया जाता है? देखिए ये इसका निमोनिस बोलते हैं किसको, जो शॉर्ट मतलब एक तरह से उसको बोलिए शॉर्ट तरीका, या फिर आपको याद रखने के लिए तरीका है, ठीक है, उसको निमोनिक्स बोला जाता है। कि याद रखने के लिए शॉर्ट क्या तरीका आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना से हाइड्रोजन हाली, इसी में आ गया हलीना हाली हलीना। देखिए हलीना हलीना हलीना, देखिए हलीना आ गया। हलीना की मतलब पोटेशियम रब, रब मतलब आर्मी रुबेडियम, रब से फरियाद, ठीक है। देखिए याद रखने का तरीका हो गया ना, हलीना हाली ना हाली ना की रब से फरियाद, ठीक है। अब देखिए ग्रुप नंबर 2 को कैसे याद किया जाता है? तो ग्रुप नंबर 2 को भी एस ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? अल्कली अल्कलाइन अर्थ मैटर, और ये था अल्कली मैटर, ये अल्कलाइन अर्थ मैटर, ठीक है। अब देखिए ग्रुप नंबर 2 में क्या क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, यही होता है हमारे पास। तो देखिए इसको याद कैसे किया जाता है? तो देखिए बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेटा से बेरियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कार देखिए कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। ये याद रखने का इसका निमोनिक्स है, ठीक है ना। निमोनिक्स का मतलब भी होता है एक तरह का शॉर्ट फॉर्म, आप बना के याद कैसे कर सकते हैं किसी चीज को। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 सीखें, तब ग्रुप नंबर 30 और ग्रुप नंबर 14 सीखें, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 30 में क्या हमारा? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक में था, अब ग्रुप नंबर 30 पी ब्लॉक है। अब पी ब्लॉक में कौन सा फैमिली है? बोरोन फैमिली, ठीक है, ग्रुप नंबर 30। तो देखिए इसको कैसे याद किया जाता है? तो देखिए बी से बैगन, एल से आलू, जी से गाजर और इन थैला। तो देखो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो देखिए क्या है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसको कैसे याद कीजिएगा? इससे बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 में हमारा पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक में लेकिन ये कार्बन फैमिली है, बोरोन फैमिली था या कार्बन फैमिली। तो इसको कैसे याद कीजिएगा? देखिए सर, कौन सी गीता स्नेहा परवा, ठीक है, इसको याद रखने का ये तरीका है। कौन सी गीता स्नेहा परवा, कौन से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, ठीक है ना। ये क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, ठीक है। तो इसको याद रखने का ये तरीका है। कार्बन का कौन और सिलिकॉन का SI, मतलब कौन सी, और ये जी से गीता, SN से स्नेहा, PB से प्रभा। तो याद रखने का तरीका क्या है? कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 में हमको क्या करना है? तो देखिए ग्रुप नंबर 15 हमारा क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है और नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट और नाइट्रोजन फैमिली है, तो हमको इसमें कौन सा फैमिली के बारे में पढ़ना है? नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 में। तो पहले देख लेते हैं ये कौन कौन
क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो एन से नाइट्रोजन, बी से फास्फोरस, ए एफ से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी और बी आई से बिस्मथ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए ये है ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच, ना से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ऐसे से आर्सेनिक, सबके से एसडी मतलब आर्सेनिक एंटीमनी, सबके से एंटीमनी एसडी और बीच, बीच मतलब बिस्मथ बी आई, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 15 देखिए, तो ग्रुप नंबर 18 देखते हैं। ग्रुप नंबर 18 भी हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या है, ये नोबल गैस है। तो देखिए पहले देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है सो एच से हीलियम है, एन से नियॉन है, ए आर से आर्गन है, के आर से क्रिप्टन है, एल सी से ज़ेनॉन है, आर एन से रेडॉन, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, हीना एच से हीलियम, नीना एन से नियॉन और से आर्गन या और आर्गन, करीना से क्रिप्टन और जेरॉक्स से ज़ेनॉन और रणवीर से रेडॉन, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ग्रुप कंप्लीट कर लिए, अब चलिए क्रिएट कर सकते हैं कि पीरियड में कैसे हम इसको याद रखें। तो देखिए इसके लिए एक है निमोनिक्स, लेकिन वो थोड़ा संस्कृत का सुनो तो वो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये आप खुद से याद कर सकते हैं, देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसको आप दो तीन बार खुद ब खुद पढ़िएगा या फिर रिपीट कीजिएगा या फिर दो तीन बार लिख लीजिए इसको, तो खुद ब खुद याद रहेगा, थोड़ा सिंपल है। और ये क्लास 12 में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत ज्यादा यूज होगा, तो वो तो ऐसे ही याद जाएगा क्लास 12 का स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उसके लिए निमोनिक्स लिखना कोई इंपॉर्टेंस नहीं का, कि वो थोड़ा संस्कृत श्लोक है, याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा या फिर कंफ्यूज भी हो सकता है उसमें, इसलिए हम नहीं लिखे। अब चलिए पीरियड नंबर 5, पीरियड 4 देखें। पीरियड 4 क्या था, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मैटर, और इस पीरियड 5 भी है डी ब्लॉक ट्रांजिशन मैटर, इसको शॉर्ट में लिख दिए हम टीएम ट्रांजिशन मैटर। तो देखिए Y, ZR, MV, MO, TC, RU, RH, PB, AB, CD, ये हम नीचे लिखते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन में रहेगा, ठीक है। वहां पे मेरा स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे लिखे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए, Y, Y, Y से Y, जर्नम, देखिए ZR, जर्नम, मू, मू से MV, सॉरी देखिए Y, जर नब, देखिए नब एन बी, ठीक है ना, वाई जर नब मू तक रियो रियो रे पर पर ए जी सी डी, देखिए लास्ट में ए जी सी डी है मेरे पास। तो देखिए उसको याद करने का क्या तरीका, वाई जर नब मू तक रियो रे पर ए जी सी डी, ठीक है ना। तो ये इसको याद करने का तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट करते हैं पीरियड नंबर 6, ठीक है, ये आज का लास्ट है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें सीखते हैं पीरियड नंबर 6 को कैसे याद किया जाता है। तो ये किसका है, ये डी ब्लॉक का है और ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं, एल ए एच एफ टी ए डब्ल्यू आर ई ओ एस आई आर पी टी ए यू एच डी, इसमें भी ये जो है वो एक ही रो में होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पीरियड लिख रहे हैं तो पीरियड एक ही में रहता, वो मेरा स्पेस नहीं था तो हम यहाँ लिखते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए इसको याद कैसे किया जाता है, देखिए ला हफ्ता डब्ल्यू रे, देखिए इसको याद करने का तरीका बस यही तक है, अभी ला एल ए ला हफ्ता हप ता ला हप ता, ठीक है, ला हफ्ता डब्ल्यू रे। अब देखिए ये ऑस्मियम है, ये इसको याद करने का, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑस्मियम होता है प्लस ए ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो ये याद किया तो ऐसे ही याद होगी आपको, और उसमें हम प्लस 8 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब चलिए लाभ द डब्ल्यू रे ओ एस से ऑस्मियम, आई आर से इरिडियम प्लेटिनम, ए यू से गोल्ड, एच डी से मरकरी, ठीक है। तो ला हप्ता डब्ल्यू रे ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड और मरकरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये आज का लास्ट टॉपिक था। अब ये इसमें हम सिर्फ ट्रिक सीखे कि कैसे याद किया जाता है पीरियोडिक टेबल। अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा।